किया है? रणवीर सिंह। कहाँ से आ गए? ग्राम धर्मशाला मौजा इकनौर। क्या समस्या? समस्या शौचालय हमारे यहाँ आज दिन तक एक भी नहीं बने, कोई भी शौचालय नहीं बना, उस पर्पज से हम लोग आए हैं। कोई मिला? हाँ, डीएम साहब से आए थे, डीएम साहब निकल चुके हैं, सीडीओ साहब को एप्लीकेशन दिया है। क्या कहे सीडीओ साहब? सीडीओ साहब ने ऑर्डर कराया, बोले 5 तारीख को आपके यहाँ इंक्वायरी पहुँच जाएगी। तो कितने शौचालय चाहिए आपको? शौचालय हमारे यहाँ लगभग ऐसे करीब पड़ेंगे 150-200 के आस पास। जिला तो पूरा ऑडियो घोषित हो चुका है, फिर आप कह रहे शौचालय नहीं है हमारे? नहीं, हमारे यहाँ एक भी नहीं बना, बिल्कुल हो जाए शौचालय। आपके कभी कोई सर्वे टीम नहीं आई? सर्वे टीम आकर के चली गई, लेकिन उसमें शौचालय हमारे यहाँ नहीं बना। पैसा निकल गया। मेरा राम वरण सिंह। क्या पोस्ट है? जिला पंचायत राज अधिकारी इटावा में हूँ मैं। आप बेस लाइन सर्वे के अनुसार ODF हो गया है, बेस लाइन के अतिरिक्त जो बचे हैं उनका भी सर्वे हो चुका है। जो 2012 में सर्वे हुआ था जिनके घरों में शौचालय नहीं थे, तो वो बेस लाइन सर्वे की सूची बनाई गई, उसके आधार पर पैसा दिया गया 12,000 रुपये की दर से, अथवा ग्राम प्रधानों ने बनवाया, उसके आधार पर ODF हो गया है। बेस लाइन के अतिरिक्त जो छूट गए थे या परिवार बढ़ गए उनका भी सर्वे हुआ है, उनका भी बनवाया जाएगा। बेस लाइन से ये धर्मशाला कैसे गांव छूट कैसे गए? अब उस समय की जो भी परिस्थिति रही हो, क्या मानते उस समय ये धर्मशाला गांव नहीं था क्या? अब धर्मशाला किस धर्म ये महिमा ब्लॉक में क्या पूरा? मुझे तो नहीं लगता उस कोई में एक भी शौचालय नहीं, बाहर लोग आए हुए घेरे हुए डीएम का कार्यालय। चलिए, अगर इस प्रकार की आप संज्ञान में कोई बात है तो उसको हम देख रहे हैं। नहीं, तो अभी तक आप लोग क्या देख रहे थे? मतलब पैसा निकल जाता है। अब इस प्रकार की कोई बात जो है अभी तक कोई संज्ञान में नहीं आई थी, कहीं अगर आई है तो हम लोगों ने उसको देखा है। सर्वे ठीक नहीं हुआ फिर, क्योंकि जब पैसा निकल रहा है तो सर्वे के बाद? नहीं, सर्वे हुआ है और जो पैसा निकला है उसका शौचालय नहीं बना, ये तो बहुत ही अप्रत्याशित चीज मुझे लग रही है। मैं इसका देखूं, जांच कराऊं तब पता चले। बड़ी बात तो ये है कि रुपया निकल, ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान द्वारा जो बेस लाइन में जिनके नाम हैं उन्हीं का बनाया गया है, उन्हीं के नाम से पैसा निकलता है। ऐसे किसी फर्जी नाम से या कोई इस प्रकार तो पैसा नहीं निकलता है, उन्हीं का निकलता है जिनका बेस लाइन में नाम है, और उन जो शौचालय बनवाए जाते हैं उनकी MIS भी होती है। तो ग्राम प्रधान के द्वारा पड़ता है? ये ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान स्वयं बनवाते हैं, ये उन्हीं का कार्य है। यहाँ कमीशन या इस तरह की तो कोई बात का सवाल ही नहीं है। बने ही नहीं तो रुपए काय मत? नहीं तो पैसा, हाँ आपने बताया कि पैसा निकल गया तो इसकी मैं जांच कराऊंगा। इस प्रकार की ये पहली घटना है जो आपने बताई, तो अगर इस प्रकार की कोई घटना संज्ञान में आप ला रहे हैं तो हम आपको धन्यवाद देती हुई ये कह रहे हैं कि उसकी जांच कराएंगे। अगर इस प्रकार की कोई घटना है तो यदि पैसा निकला है तो ऐसे ग्राम प्रधान अथवा ग्राम पंचायत अधिकारी से उसकी वसूली की जाएगी और दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।